क्या चल रहा है? तुम बताओ। कहाँ जा रहे हो? ठीक है, मैं तो बस मुझे क्या फर्क पड़ता है वैसे भी। शायद घर जाकर ड्राइंग करोगे। हाँ, घर जाओगे ना फिर? अगर खुद को इनवाइट कर रही हो तो आ सकती हो। तुम्हारे पास तो चाबियां हैं, तुम तो आती जाती रहती हो। नहीं मतलब अब ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आपको कीज मेरे पास होने का मसला है तो मैं वो आपको वापस कर सकती हूँ। फिलहाल तो इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। ड्राइंग की बात कर रहे हो क्या? क्या कहा? मतलब ड्राइंग, वो अगर तुम घर पे ड्राइंग करने जा रहे हो तो काम करो। हाँ करो करो, मैं कब मना करी। तो ठीक है, आराम से काम करो। तुम भी आराम से काम करो, मतलब ड्राइंग करो। कैसे कर रहे हो फिर बताना मुझे। हाँ कोई फायदा नहीं इन बातों का, जिद्दोजहद मत करो। कैसी जिद्दोजहद? हाँ कैसी जिद्दोजहद, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई जिद्दोजहद नहीं कर रही, बस मैं तो बात कर रही हूँ। इसमें क्या है? तो फिर खुदा हाफिज। बिल्कुल, बाय बाय। अब कैसे पता लगाऊंगी यार मैं? पागल आदमी, बताया भी नहीं। क्या करूंगी मैं यार? हाँ चुपचाप जाती हूँ। हाँ ऐसे ही करती हूँ। यही तुम्हारे पास आखिरी मौका है डेफनी, ढूंढो। अगर ड्राइंग की होगी तो यहीं कहीं होगी। कहाँ है? बेवकूफ, तुम्हें पासवर्ड कहाँ पता है यार? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा सवाल है। इस अच्छे सवाल का कोई तो जवाब होगा तुम्हारे पास। तुम बहुत जल्दी वापस आ गए यार। सब खैर है ना? कोई मसला तो नहीं हुआ? डेफनी। ठीक है, मैं इसलिए आई थी। वो हाँ क्या कर रही थी, ये देखने आई हूँ। तुम्हें मालूम था कि मैं कमरे में नहीं हूँ क्योंकि हम लिफ्ट में मिल चुके हैं। हाँ हाँ उसी लिए आई थी। तुम ड्रॉ कर रहे हो या नहीं? कंप्यूटर्स में देखा, इन फाइल्स में देखा, बताओ ना क्या हो रहा है, कुछ तो बताओ ना तुम। तो क्या निकला? कुछ भी नहीं मिल सका, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो फिर क्या तुम गुस्सा हो? गुस्सा मत हो। तुम्हें समझा रहा हूँ, ज्यादा कोशिश करने का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे बिना इजाजत ही आ गई। अच्छा नहीं किया ना मैंने। मैं क्या करती यार, तुम भी तो कुछ नहीं बोलते। मैं पागल हो जाऊंगी यार। चुप रहना हम दोनों के लिए अच्छा है। ऐसे मैं पागल हो जाऊंगी यार। डेफनी, ये सब ले लो। क्या है ये? मुझे तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज नहीं चाहिए, समझो, तुम ये लो। लेकिन ये सब तुम्हारे लिए है। अरे लो इसे। अल्लाह अल्लाह,
तुम क्या समझते हो कि मैं खुद से खरीद के कुछ भी ड्राइंग नहीं कर सकती क्या? आखिर समझते क्या हो खुद को तुम? हाँ, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी दी हुई चीजों से ड्राइंग करूँ, बिल्कुल भी। समझ लो तुम, मैं खुद खरीद लूंगी अपने लिए, मैं खरीदूंगी सब कुछ। वैसे वो पेन कहाँ से लिए थे तुमने? खैर मत बताओ, मैं खुद ले लूंगी। एक दूसरे की कोई चीज नहीं रखेंगे हम, समझ गए? तुम्हारी निशानियां तुम ही रखो। जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आता। डेफनी, क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? हाँ, मैं देख नहीं रही कि क्या कर रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, वैसे भी मेरा कुछ करने का फायदा कहाँ है? अजीब। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्या कह रहे हो? ये क्या कर रही हो? हाँ यार, क्या कर रही हूँ मैं? मैं कोई नाश्ता नहीं बना रही, खुद बनाओ अपने लिए नाश्ता, खुद बनाओ। चलो, अजीब बात है। रुको रुको, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, मेरा फोन ऊपर रह गया, मैं लेकर आता हूँ, फिर साथ चलेंगे हम दोनों। ठीक है। नहीं, मेरी तरफ देखो, मैं क्यों तुम्हारा इंतजार करूंगी? हाँ, मैं क्यों करूंगी? मुझे ब्रेसलेट दो। क्या वो मेरे पास है? ब्रेसलेट? क्या मैंने ऐसा कहा था कि इसको रख लो? लेकिन वो अब क्यों चाहिए तुम्हें? मुझे चाहिए, दो ना। मैं नहीं दे सकता। ओह, तो तुम नहीं दे रहे? अगर इतनी अच्छी लगती है तो खुद ले लो। हाँ तो मैं ले लूंगी, तुम्हें क्या लगता है नहीं ले पाऊंगी क्या? मैंने ये नहीं कहा। मैं ले रही हूँ, देखो। यार दे दो ना, क्या कर रहे हो? लो। हेलो यास्मीन मैडम, कहिए कहिए, एक मिनट। भाई पेन कहाँ गया? पेन है क्या तुम्हारे पास? एक सेकेंड, एक मिनट। ये लो पेन। थैंक यू। बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इनको देख लूंगी, मिलते हैं। देखो तो यार, जरा पेन मेरे पास ही रह गया। मैं जितना बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ ना, उतना ही उमर के पास चली जाती हूँ। पागल, उफ़, गधी डेफनी, मैग्नेट की तरह चुपकी रहो तुम। वो वैसे ब्रेसलेट के लिए शुक्रिया। मैं भी। उमर तुम यहां थे? नाहिद मैडम की कॉल आई थी, वो रास्ते में। चलो आजो, चलते हैं। चलो तुम चलो, मैं आता हूं। ठीक है। बहुत अच्छे, वाकई बहुत अच्छे। हमसे बेहतर नहीं है क्या? वाकई? खुद ही देख लो। हमारे ख्याल से डेफनी तुम ज्यादा बेहतर हो। ये सारे डिजाइन उमर के बनाए हुए हैं, लेकिन ये सब तुमसे ज्यादा बेहतर नहीं है। मुझे लगता है हम उनसे आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल, ये हुई ना बात। हाई फाइव। अब आए नाहिद मैडम, तो फिर रेडी हैं? हम बिल्कुल तैयार हैं। हाँ बहुत, हम हारने वाले नहीं हैं। क्या मैं ये फाइल ले जा सकती हूँ? हाँ सुधे, हाँ ले जाओ, हमने सब देख लिया।
हमें जो चाहिए था वो मिल गया। अब जीत अपनी है डेफनी। हाय, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा दिल तो मेरे मुंह में ही आ गया है। हाय, मुझे सांस क्यों नहीं आ रही? डेफनी, मुझे लगता है हमें ब्रेक लेने के लिए कोई और जगह देखनी चाहिए। हम एक जगह नहीं रह सकते। कुछ हुआ है क्या? ये सब कुछ, हमारा मिलना, वो सब कुछ होना, शायद मेरे बड़ा होने और डिजाइनर बनने के लिए था। तुम्हें लगता है हमारे प्यार की वजह से हुआ ये सब? मैं बड़ी हो गई, मैं तुमसे मिली और मैं बड़ी हो गई। अच्छा ये बताओ, मैंने तुम पर कैसी छाप छोड़ी? तो कोई तो जवाब होगा ना। तुम सुनना नहीं चाहोगी। मीटिंग में जाने से पहले तुम कंफ्यूज मत होना। मैं सुनना चाहती हूँ। डेफनी, हम कब से एक दूसरे से वो बातें करने लगे जो हम कहना नहीं चाहते? क्या तुम नहीं आओगी? कहाँ? मीटिंग में और कहाँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुड, लगता है आज मेरे लिए सिर्फ सरप्राइज है। मुझे पहले बताना था कि मैं तैयार रहूं। अरे नहीं, आज मैं बस अपने डिजाइन साथ लाऊंगी, आप बस वही देखिएगा। चलो देखते हैं आगे। तो फिर चलते हैं, आइए। कलेक्शन की फाइल पता नहीं कहाँ चली गई। रुको रुको, ये रही, मैं तुम्हारे पास ही ला रही थी। ये तुम्हारे पास थी? वो मैं इसे रूम में छोड़ना नहीं चाहती थी। चलो जाओ, तुम्हें मीटिंग के लिए देर हो रही है। चलो चलो जाओ। आइए बैठिए। आपके काम के मुंतजिर थे। आपके डिजाइन्स देखने के लिए हमसे इंतजार नहीं हो रहा था, लेकिन आप इस बात की बिल्कुल फिकर मत कीजिएगा, आपको हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मुझे ये पता है कि ये बहुत ही मुश्किल फैसला होने जा रहा है।
उस लड़की के बालों का कलर तो देखो कितना अजीब सा लग रहा है, मैं तो कभी भी ना करवाऊं। मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। सोचो जरा कोरेश, घर में ही इतनी सारी गॉसिप्स। हाय कोरेश, काश हमारा घर ऐसा होता। हाय, तुमने देखा नहीं था उस लड़की का चेहरा कैसा हो गया था। हाय, मैं तो चाहता हूँ हमारे सारे ख्वाब सच हो जाए। लड़की, काश ऐसा हो सकता कि हम वहाँ पे चले जाते। चलो, जा नहीं सकते लेकिन हमें वहाँ की तमाम रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। और क्या, चलो उनकी सेटिंग कराते हैं। चलो मेरी जान। कोरेश, हमारी कॉफी खत्म हो गई। हाँ, मेरी भी खत्म हो गई, अभी मंगवाता हूँ। ए, इधर आओ, कॉफी लेकर आओ। हाँ, एक बात बताता हूँ नेहरो, ये जो चश्मिश लड़का है ना, इसका बाप इतना अमीर इंसान है, इतना अमीर इंसान है, ये तो सिर्फ यहाँ पे शौक के लिए जॉब करने के लिए आया है। इसका बाप चाहे तो इसके लिए ऐसी कई कंपनियाँ खोल कर इसके सामने रख दे, पर ये जाता नहीं। सुनो, इसे सूदे के साथ सेट क्यों ना करते। सूदे के साथ ऐसा लड़का सेट करना, कैसी बातें करती हो नेहरू, वो चश्मिश लड़का है। नहीं, अमीर होने की वजह से कुछ हैंडसम तो लग रहा है, लेकिन शायद तुम सही कह रहे हो। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ बस। ए, कितनी बुरी कॉफी बनाते हो तुम, समझ में नहीं आता तुम्हारे, गंदे बदतमीज। रिलैक्स हो जाओ बेबी। क्या करूँ, गुस्सा आ जाता है मुझे। ये लीजिए। वेरी नाइस, ये भी बहुत जबरदस्त है, वेल डन। मिस यास्मीन, आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट है। जी सही कहा आपने, खुश नसीब है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप हमें शुक्रिया क्यों कह रही हैं, जिसने ये सिखाया है आप उनसे कहिए, जरूर किसी अच्छे आर्टिस्ट ने सिखाया होगा आपको। दरअसल मैंने एक एक्सपर्ट से सीखा है ये काम, उन्होंने मुझे बेखौफ होकर काम करना सिखाया है, उन्होंने मुझे अपने तरीके बताए, बार बार बनाती रहो, बिल्कुल मत डरो, ये सिखाया है। मैं उनकी इस बात पे अमल करने की कोशिश करती हूँ। जी आपके डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जबरदस्त। ब्रेकिंग न्यूज, सूदे मैडम ने पैशन के कलेक्शन को चोरी करके लीक कर दिया। बजाबता तौर पर अंदर से। क्या ये सच है, वाकई में? हाय, क्या हो गया? अरे कोरे, यहाँ क्या हो रहा है? हाय, मैं तो तुम्हारे साथ था, मुझे क्या पता, रुको जरा। क्या वाकई ऐसा कर सकती है वो? आइए अब पेशेंस के डिजाइन्स देखते हैं। ये कौन से डिजाइन है? उस फाइल में नहीं थे। इस ये क्या है? ये तो है ही, जाने क्या है। हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि टर्की में इतना अच्छा काम हो रहा है। आपके डिजाइन्स बहुत ही ज्यादा क्लासिकल हैं और बहुत ही डिफरेंट हैं। मिस्टर उमर, मुझे आपसे इसी तरह की उम्मीद थी कि आप इस तरह के डिजाइन से लेकर मेरे सामने आएंगे, और आप मेरी उम्मीद पर पूरा उतरे। बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारा फाइनल डिसीजन यही है कि हम पेशेंस के साथ काम करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मिस्टर उमर, आप लोगों की प्रेजेंटेशन का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए। ये कैसे हुआ? ये वो कलेक्शन नहीं है जो आपने देखा है ना यास्मीन?
सुधे मैडम, क्या आपने वाकई ऐसा कुछ किया है? सुधे मैम, ये आपने क्यों किया? सुधे, ये सब लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ लड़की, मुझे ये समझाओ पहले कि उसे दिया किसने? शायद आप समझे नहीं, मैं समझाती हूँ। सुधे मैडम ने पैशन का कलेक्शन चेरी को दे दिया। क्या? लड़की तुमने कब दे दिया? सुधे डार्लिंग, मेरी बेटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आप लोगों को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। बताओ ना सुधे, ये सब झूठ है ना? पता नहीं, लेकिन मेल पढ़कर तो जाहिर यही हो रहा है। अगर सिनान सर को पता चला तो क्या होगा? और उमर सर को भी। नरमीन, सुधे, क्या हो रहा है? नजमी साहब, अपने फोन में मेल चेक करें। कौन सी मेल? कंपनी का ईमेल। सुधे मैडम ने हमारा कलेक्शन चेरी को दे दिया। क्या? क्या? क्या ये सच है? बाबा। सुधे, ये क्या कह रहे हैं? सिनान। सुधे, मेरे साथ बाहर आओ। और नरमीन, तुम भी। सुधे, चलो चलो, आप लोग सब जाके अपना काम करो। तुमने किया है ना ये? नहीं सुधे, तुमने किया है। तुम्हें बहुत समझाया है, लेकिन तुम नहीं समझी और ना समझोगी। तो मैंने तुम्हारी जबान में ही बात की। ये सबक काफी होगा तुम्हारे लिए। मुझे समझ नहीं आता कैसे। ये कलेक्शन कहाँ है, क्या हम देख सकते हैं? मतलब सब बहुत एक्साइटेड हैं। सोचा मैं भी देख लूं। लेकिन सिनान, बात अपने रूम में ही करें, वहीं चलते हैं। चलो आ जाओ। हाय, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये बहुत जबरदस्त है, ये जरूर काम करेगा। हाय लड़की, तुमने तो ये वही ड्रेस पहना है जो कल पहना था तुमने, है ना? Come on.